नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा बिहार में है सुशासन की सरकार। नवगछिया में नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर, 48 घंटे के अंदर दो लोगों की हुई हत्या, आरोपी फरार। भागलपुर बाईपास थाना ने चेकिंग के दौरान शराब की तस्करी करते शिक्षक को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब हुआ बरामद। पुलिस महानिदेशक ने भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के रोको टोको अभियान की सराहना, कहा पूरे राज्य में लागू होगा भागलपुर मॉडल। और सीएए एनपीआर एनआरसी के विरोध में मंगलवार को निकाला जाएगा मौन जुलूस, शहर के चार स्थानों पर एकजुट होंगे हजारों लोग। अब समाचार विस्तार से। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सोमवार को भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचते ही पुलिस महानिदेशक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पुलिस महानिदेशक ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी आशीष भारती, नवगछिया एसपी निधि रानी, बांका एसपी अरविंद गुप्ता, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी निसार अहमद समेत कई अधिकारियों से विधि व्यवस्था और लंबित मामले की जानकारी ली। साथ ही लंबित मामले के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं डीजीपी ने प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि बिहार में सुशासन की सरकार है। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने भागलपुर में लगने वाले जाम की जानकारी पत्रकारों से ली। इसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने प्रतिदिन लगने वाली जाम के समाधान का निर्देश एसएसपी आशीष भारती को दिया। वहीं एसएसपी ने जाम की समस्या को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को दी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा बिहार में विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए 2 दर्जन डीएसपी पर विभागीय कार्रवाई की गई है। साथ ही बेहतर कार्य करने वाले को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। डीजीपी ने बेहतर पुलिसिंग के लिए एसएसपी आशीष भारती को बेहतर ऑफिसर बताया। मैं सलाम करता हूं उन सिपाहियों को, उन हवलदारों को, अधिकारियों को, छोटे छोटे सत्तू लेकर के 8-8 दिन ड्यूटी कर, चूड़ा और गुड़ खा करके। आपने सुना है कहीं प्रदेश में केरल की पुलिस को भेज दीजिए, चूड़ा गुड़ और सत्तू दे करके ड्यूटी करा लीजिए आप 24 घंटा, हम देखेंगे। नहीं करेगा, वो घंटे जोड़ते हैं। हमारा सिपाही कभी नहीं कहता कि हमसे 12 घंटा काम क्यों लेते हो। यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण के मामले आपने खुद देखा, होली आई, दशहरा आई, रामनवमी आया, मुहर्रम आया, सारे व्रत आए और वर्तमान हाल के परिस्थितियों में राजनीतिक कई कारणों से कई तब्दीलियाँ हुई, नई नई चीज़ें आईं, जो विधि व्यवस्था एक बहुत चुनौती थी उसको कितना बढ़िया से भागलपुर पुलिस ने निभाया, कितनी बहादुरी से और कितनी अच्छे तरीके से। तो मैं इनको धन्यवाद भी देने आया था और कुछ अधिकारियों के बारे में मुझे शिकायत भी है उसकी। मैं अकेला थोड़े ही हूँ, मेरे साथ टीम आई है सीआईडी की। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी टीम तीनों अनुमंडल में बैठी हुई है, विधि व्यवस्था में बैठी हुई है, कोतवाली में भी, ये शहर में भी बैठी हुई है, एसडीपीओ के ऑफिस में एक टीम हमारी वहाँ कैंप कर रही है, कहलगांव में भी। मैं आज कहलगांव भी गया था, कहलगांव के सारे अधिकारियों से बात किया, कुछ पॉइंट्स पर जाँच के लिए हमने आदेश दिए हैं, वहाँ पर जाँच हो रही है। सब जगह तीनों अनुमंडल में हमारी सीआईडी की टीम डीएसपी के रैंक के ऑफिसर के नेतृत्व में तीनों अनुमंडल में जाँच हो रहा है। केस की स्थिति क्या, इन्वेस्टिगेशन का पोजीशन क्या है, सुपरविजन की क्वालिटी कैसी है, कितना केस लंबित है। लेकिन मैं पूरे बिहार को जो देखता हूँ तो उसको देख करके हमको संतोष होता है कि लंबित कांड जो हैं उनकी संख्या बिहार के अन्य किसी भी रेंज से बहुत कम है, काफ़ी नियंत्रण में है। पुलिस जिला नवगछिया में इन दिनों हत्या का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे के भीतर नवगछिया में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन पुलिस अब तक अपराधी को पकड़ने में नाकाम रही। दरअसल रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साधोपुर गांव निवासी 45 वर्षीय किसान रामचंद्र मंडल सोमवार की अहले सुबह अपने मकई खेत का पटवन करने वासा गया था। इस दौरान घाट लगाए बैठे अपराधियों ने किसान रामचंद्र मंडल पर गोलियां बरसा दी। अपराधियों ने किसान के गर्दन में 2 गोली मारी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
वहीं गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सब को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। घटना के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। शराब तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के बाद भी शराब तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाईपास थाना अध्यक्ष सुनील झा ने रात्रि गश्ती के दौरान एक ऑटो से 4 कार्टून विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ऑटो से शराब लेकर आने की गुप्त सूचना थाना अध्यक्ष को मिली थी, जिसके बाद बाईपास पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान संदेह होने पर ऑटो को जांच के लिए रोका गया। तलाशी के दौरान ऑटो से 4 कार्टून में बंद 48 बोतल शराब के साथ पिस्ता निवासी शिक्षक रमेश चौधरी और ऑटो चालक प्रकाश चौधरी को दबोच लिया गया, जबकि बैजानी निवासी डब्लू पांडे पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शराब को जब्त करते हुए दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भागलपुर जिले में SSP आशीष भारती के निर्देश पर चलाए जा रहे रोको टोको अभियान की DGP गुप्तेश्वर पांडे ने सोमवार को जमकर सराहना की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि रोको टोको अभियान के कारण जिले में काफी हद तक क्राइम कंट्रोल हुआ है। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इस मॉडल को पूरे राज्य में जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। रोको टोको अभियान के सकारात्मक नतीजे आने के बाद DGP ने भागलपुर SSP आशीष भारती के प्रयास की प्रशंसा की और साथ ही कहा कि इसमें कुछ सुधार के बाद जल्द ही इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। कि पूरे बिहार में रोको टोको अभियान बहुत अच्छा है और इससे अपराधियों में असामाजिक तत्वों में एक भय भी बना रहता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी आकस्मिकता का पुट होना चाहिए। मतलब एक रूटीन एक्सरसाइज हो जाएगा कि रोज 10 से 2 बजे तक रोको टोको चलता है तो जो बदमाश हैं या अपराधी हैं असामाजिक तो 10 से 2 अवॉइड करने लगेंगे, फिर दूसरे टाइम में चलने। थोड़ा इसमें सरप्राइज एलिमेंट रखना है, यही एक संशोधन की जरूरत है कि कभी 10 से 2 हो जाएगा, कभी 8 से 11 हो जाएगा, कभी 2 से 5 हो जाएगा, कब होगा ये जिला का मुखिया जानेगा। तो इसमें सरप्राइज एलिमेंट रखने की जरूरत है। तो इतने संशोधन के साथ ये रोको टोको अभियान में पूरे प्रदेश में लागू करूंगा। नागरिकता संशोधन कानून NPR और NRC को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं CAA के खिलाफ मंगलवार को भागलपुर जिला के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर सोमवार को साजंगी मदरसा में जनसभा हुई और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति के बैनर तले उलेमाओं ने पहले CAA की कड़ी निंदा की, साथ ही इसे देश की गंगा जमुनी तहजीब के लिए खतरनाक बताया। बैठक के बाद समिति से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मंगलवार को भागलपुर की जनता मुंह पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में बैनर तख्ती लेकर 4 पॉइंट पर जमा होगी। इसके बाद लोगों का समूह काला बिल्ला लगाकर समाहरणालय तक पहुंचेगा, जहां जिलाधिकारी प्रणव कुमार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि 0 माइल, बरहपुरा ईदगाह मैदान, हुसैनाबाद जामा मस्जिद और मुस्लिम हाई स्कूल मैदान में लोग एकत्रित होंगे। मौके पर मुफ्ती खुर्शीद अनवर, मौलाना रहमत, हिलाल सोहेल, मेराज बबलू, मौलाना इलियास, परवेज जमाल, एनुल होदा, सारिक मंजूर, बाबर अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। ये कानून मुल्क के अवाम के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए अवाम ने फैसला किया है सड़कों पर आए। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ तरीके से धरने, जुलूस और चीज़ें हो रही हैं। कल आने वाले यानी 21 जनवरी को भी पूरे भागलपुर ज़िला के लोगों ने तय किया है, उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं, ये तय किया है कि एक बिल्कुल खामोश जुलूस, चाहे मुंह पे काली पट्टी बांध के या बाएं बाजू पर अपना काला रिबन या काला कपड़ा बांध के वो निकलें इस कानून के खिलाफ एहतजाज में, और मुंह से कोई लफ्ज़ अदा न किया जाए बल्कि स्लोगन जो हमारा है वो हमारे हाथों में होगा। NRC, CAA और NRP, इसके लिए हम लोग एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि वो संविधान के ख़िलाफ़ है और संविधान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इन्होंने जबरन दोनों सदनों से पास करवा लिया क्योंकि उसकी अक्सरियत थी, लेकिन ये तमाम जो निचली तबके के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जिनके पास कोई पेपर्स नहीं है, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके तो पर बड़ा हथौड़ा चलाया जा रहा है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने सोमवार को कहलगांव एनटीपीसी के प्रशासनिक भवन में तीनों जिले के एसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान डीजीपी ने लंबित कांडों की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को जल्द निष्पादन करने के निर्देश दिए। वहीं डीजीपी ने हाल के दिनों में हुई हत्याकांड की समीक्षा की और अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बैठक के बाद डीजीपी पुलिस अधिकारियों के साथ कहलगांव गंगा नदी के बीच अवस्थित अष्टावक्र मुनि के मंदिर नाव से पहुंचे और उनके संबंध में विस्तार से जानकारी ली। वहीं डीजीपी के साथ डीआईजी सुजीत कुमार, एसएसपी आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, नवगछिया एसपी निधि रानी, बांका एसपी अरविंद गुप्ता, कहलगांव एसडीपीओ रेसु कृष्ण सहित डीएसपी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र भवानीपुर में दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर सबको गायब कर दिया। रविवार की देर शाम बनिया हॉल्ट के समीप विवाहिता का छत विछत अवस्था में शव बरामद हुआ। हत्या करने के बाद ससुराल वालों ने उसके शव को कई हिस्सों में काटकर हॉल्ट के समीप जंगल में फेंक दिया था। वहीं ग्रामीणों ने शव मिलते ही सूचना रंगरा पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के टुकड़े को समेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल पोखरिया गांव निवासी मृतक किरण की शादी 2 वर्ष पूर्व भवानीपुर निवासी नीरज शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा मोटरसाइकिल देने की मांग को लेकर किरण को प्रताड़ित किया जा रहा था। शनिवार को ससुराल वालों ने किरण की हत्या कर सबको ठिकाने लगा दिया, जिसके बाद पड़ोसियों ने घटना की सूचना मृतिका के परिजनों और पुलिस को दी, जिसके बाद रंगरा पुलिस आरोपियों के घर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही ससुराल पक्ष के सभी लोग घर छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं मृतिका के भाई रोहित कुमार के बयान पर सास, ससुर, ननद, पति समेत 6 लोगों को आरोपी बनाया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। भागलपुर खरमनचक स्थित आस्था विवाह भवन में सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे की ओर से मकर संक्रांति मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा से जुड़े कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने तिलकुट और दही चूड़ा का जमकर आनंद उठाया, साथ ही सूफियाना गजल के बीच एक दूसरों को मकर संक्रांति की बधाई दी। मिलन समारोह में मेयर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, रतन मंडल, डॉली मंडल, चंदन ठाकुर, दीपक भुवानिया, अल्तमस बिहारी समेत कई लोग मौजूद थे। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लोग मकर संक्रांति को एकात्मता समरसता के प्रतीक के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं और इस नाते आज मकर संक्रांति मिलन समारोह भोज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से रखा गया है। आज देश के अंदर जो प्रासंगिक भी है और इस मकर संक्रांति के पर्व के नाते हम सभी लोगों को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि आपस में एकता, एकात्मता और जो समरसता का जो भाव है, यह हम सभी के मन में इस त्यौहार के माध्यम से तो आई। और यह भागलपुर खंजरपुर स्थित सुंदरवती महिला कॉलेज रोड में सोमवार को कैरियर इन्फोटेक संस्थान का शुभारंभ किया गया। करियर इन्फोटेक का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह, एमएलसी डॉक्टर एन के यादव, निदेशक अमित राय और भारत रक्षा मंच के चंदन ठाकुर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इसके बाद आगत अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र और बुके देकर किया गया। वहीं निदेशक अमित राय ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय योजना और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जानकारी देना है। चंदन ठाकुर ने कहा कि करियर इन्फोटेक सभी छात्रों को सरकारी योजना की जानकारी देगा, साथ ही संस्था द्वारा तकनीकी शिक्षा में पिछड़ रहे विद्यार्थियों को जागृत किया जाएगा।
मौके पर जीडी ज्ञानी, एसके सिन्हा, रवि रंजन, शिवम सिंह समेत शिक्षा जगत से जुड़े कई लोग मौजूद थे। सर, हमारा जो संस्था है वो करियर काउंसलिंग संस्था है, जिसमें कि हम लोग सारे गरीब बच्चे, जो हमारे जिस गरीब बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, हमारा बिहार सरकार गवर्नमेंट जो 7 निश्चय योजना में एक निश्चय है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसको हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को, और उसी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पे सारे बच्चे को, जो गरीब बच्चे हैं जिनको कि 4 लाख तक का लोन मिलता है वो गवर्नमेंट की तरफ से, उस बच्चे को हम उसके जागरूक में जाएंगे, बताएंगे उसको कि इस तरह से आपको सारा विधि है, व्यवस्था है, सारा चीज़ के प्रति आपको इस तरह से आप एजुकेशन ले सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं, और कैसे आप अपने लाइन को और आगे रिच ऑन द टॉप पे ले जा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में तो मैं लगा ही रहता हूँ, आपकी बात एकदम मैं, लेकिन एक जीवन यापन करने के लिए शिक्षा का क्षेत्र मैंने चुना है, और हमारा भी एजुकेशन कंसल्टेंसी वे फाइंडर एजुकेशन सर्विस के नाम से है। आज से 3 साल पहले मैंने उस कार्यालय का उद्घाटन किया था, और अमित भाई हमारे मित्रवत भाई हैं, और मैं आज इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने भी बढ़ चढ़कर आगे आए, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है, जो नीतीश सरकार का जो 7 निश्चय योजना है उनमें से एक का काउंसलिंग सेंटर यहां पे खुला है। एसएम कॉलेज रोड में था भी नहीं, मैंने इनको कहा कि आप एसएम कॉलेज रोड में भी खोलिए, ताकि लड़कियों को भी, एसएम कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनको इधर उधर दिक्कत होता है, यहाँ पे खुल गया तब उनको दिक्कत नहीं होगा। युवा राजद के अध्यक्ष व पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने सोमवार को अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। आयोजित सम्मेलन में पूर्व सांसद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चेहरों को चमकाने के लिए बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई लगभग 25,000 करोड़ की जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत लूट करने के लिए की है। करोड़ों रुपए मानव श्रृंखला के नाम पर लूट कर बिहार को बर्बाद करने का काम किया गया है। साथ ही मंडल ने इसके अलावा नीतीश सरकार पर घोटाले के कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार विकास की स्थिति पर तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, पर बिहार के लोगों को योजनाओं के नाम पर ठगा जा रहा है। साथ ही सीएए को संविधान और गरीब विरोधी कानून बताते हुए बुलो मंडल ने मोदी सरकार से देश विरोधी कानून वापस लेने की बात कही। एक्चुअली मुख्य मकसद है हमारा बुलाने का, जो कल मानव श्रृंखला जल जीवन हरियाली योजना के नाम पर जो मानव श्रृंखला नीतीश कुमार जी ने बुलाने का काम किया था, उसमें ये स्पष्ट है, पहले से भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने इसको स्पष्ट करने का काम किया था कि यह जो जल जीवन हरियाली में 24,500 करोड़ रुपया जो उस योजना के नाम पर ये लूटने के लिए, जल जीवन हरियाली ठीक बात है कि भूजल से पानी नीचे गिरते जा रहा है, आने वाले समय में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसके लिए मानव श्रृंखला और उसके लिए इतना बड़ा प्रायोजित स्कीम, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 24,500 करोड़ रुपया कैसे लूटने का व्यवस्था हो। नाथनगर के मथुरापुर स्थित सत्संग भवन में 2 दिवसीय संतमत सत्संग का प्रखंड स्तरीय 39वां अधिवेशन वैदिक मंत्रों के साथ शुरू हुआ। इस दौरान संतों ने कथा के माध्यम से भक्ति में समर्पण एवं श्रद्धा का महत्व सत्संग प्रेमियों को बताया। बाबा भगीरथ दास जी महाराज ने कहा कि सत्संग से ज्ञान होता है और ज्ञान से ध्यान का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि धन से किसी को शांति की प्राप्ति नहीं होती है। 2 दिवसीय सत्संग को सफल बनाने के लिए आश्रम के अध्यक्ष विनोद कुमार, सुगालाल शाह, संरक्षक डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, डॉक्टर मनोज कुमार शाह, तारकेश्वर झा, मुखिया पिंकी देवी, अरुण मंडल, कबीर पासवान सहित काफी संख्या में सत्संग प्रेमी मौजूद थे। ये प्रांगण जो है मथुरापुर स्थित गाँव संत मेही आश्रम, जो चंपानाला पुल से बहुत निकट है, और यहाँ पर हर साल इसी तरह से ये वार्षिक अधिवेशन होता है। ये सफलतापूर्वक 7वीं बार ये अधिवेशन यहाँ पर चल रहा है मथुरापुर में ही आश्रम के प्रांगण में। पहले ये जो प्रांगण था, पहले ये जो सम्मेलन था, ये मथुरापुर गांव में होता था जब यहाँ पर मौजूद नहीं था ये आश्रम, लेकिन आश्रम निर्माण के बाद ये यहाँ पर 7वां साल विधिवत रूप से और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है। दो दिवसीय सत्संग है जो प्रत्येक साल लगभग 7 वर्षों से यहाँ पे होता आ रहा है, और 19 और 20 जनवरी को दोनों दिन सुबह से लेकर शाम तक सत्संग होता है। सत्संग, भजन, कीर्तन जो भी है, फिर खाने का भी कार्यक्रम है। भागलपुर सन्हौला प्रखंड के पाठकडी गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 4थे दिन सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। कथावाचक स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने श्रीराम के जीवन चरित्र का मार्मिक ढंग से वर्णन किया।
उन्होंने कहा कि आज के युवा जिस प्रकार से संयम खो रहे हैं, संघर्ष से घबरा रहे हैं, उनके लिए श्रीराम का संघर्ष अनुकरणीय है। समय परिवर्तनशील है, इसलिए आपदा की स्थिति का सामना ध्यानपूर्वक करना चाहिए। संघर्ष जितना कठिन होगा, फल भी उतना ही मीठा होगा। कथा के दौरान स्थानीय कलाकारों द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। मंच का संचालन नयन तिवारी ने किया। इस अवसर पर गोपाल मंडल, पंकज सिंह, गौतम सिंह, बम्बम शाह समेत कई भागवत प्रेमी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा बिहार में है सुशासन की सरकार। नवगछिया में नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर, 48 घंटे के अंदर 2 लोगों की हुई हत्या, आरोपी फरार। भागलपुर बाईपास थाना ने चेकिंग के दौरान शराब की तस्करी करते शिक्षक को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब हुआ बरामद। पुलिस महानिदेशक ने भागलपुर एसएसपी आशीष भारती के रोको टोको अभियान की सराहना, कहा पूरे राज्य में लागू होगा भागलपुर मॉडल। और सीए एनपीआर एनआरसी के विरोध में मंगलवार को निकाला जाएगा मौन जुलूस, शहर के 4 स्थानों पर एकजुट होंगे हजारों लोग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।